नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। ये रॉयल इनफील्ड 350 बुलेट है, क्लासिक 350। इसकी चैन किट देख रहे हैं, ख़राब हो गई है। इसका स्पॉकेट पूरा ख़राब हो गया है और ये चैन भी पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो इसका हम क्या करेंगे कि इसका हम चैन किट चेंज करेंगे और आगे वाला चैन स्पॉकेट चेंज करने के लिए हमें इंजन ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा और इसका ये मैग्नेट का कवर खोलना पड़ेगा। देखिए, हमने साइलेंसर खोल लिया है और फुटरेस नीचे करके किक खोलेंगे इसका और किक खोल के इसका चैम्बर बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। ये टी बोल्ट हमें खोलना पड़ेगा, ऊपर के सारे टी बोल्ट खोलेंगे, चलिए हम टी बोल्ट खोल लेते हैं। इसके लिए मैग्नेट का जो करंट निकलता है सॉकेट, उसे हमें हटाना होगा। उसके बाद हम इसे खोलेंगे। इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर दिया है और ये फिल्टर नहीं खुलेगा, ये तीन बोल्ट फिल्टर के नहीं खुलेंगे, बाकी सारे खुलेंगे। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। सारे बोल्ट को खोल लेंगे और अगर पैकिंग फट जाए तो पैकिंग चेंज करेंगे, और पैकिंग नहीं फटा इसका तो चेंज नहीं करेंगे, उसी को रहने देंगे। सारे बोल्ट को खोल लेते हैं। इसका आगे का ही स्पॉकेट चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये पूरा मैग्नेट कवर खोलना पड़ता है। बाकी और भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है और इजी है, ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। चलिए हम ये सारे बोल्ट को खोल लेते हैं। पहले खोल के इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने खोल लिया चैम्बर, इसका पैकिंग नहीं फटा है, पैकिंग सही है। ये इसमें आर्मेचर लगा हुआ है और यहाँ पे एक ओरिंग लगा हुआ रहता है, वो ध्यान दें, ओरिंग गिरना नहीं चाहिए। अगर ओरिंग गिरेगा तो इसका टाइफिट में आवाज़ आ जाएगा, ऑयल ऊपर नहीं जाएगा। वो फिल्टर का लगा हुआ रहता है, फिल्टर की नली में। तो अब हम इसे खोलेंगे स्पॉकेट को, और इधर कुछ नहीं करना है, मैग्नेट साइड स्पॉकेट खोलेंगे और क्लीन करेंगे उसे। स्पॉकेट खोलने के लिए स्पॉकेट में एक लॉक लगा हुआ होता है, स्पॉकेट में एक वाशर लगा हुआ रहता है, उसी से स्पॉकेट नट को लॉकिंग किया हुआ रहता है कि नट खुले ना। इसे हम छेनी या पेचकस से खोल लेंगे और इसका नट सीधा ही थ्रेड होता है, उल्टा थ्रेड नहीं होता है। तो चलिए हम इसका लॉक को अच्छी तरह से ठोक कर बैठा देते हैं ताकि नट हमारा आसानी से खुल जाए। इसका चैन लॉक भी खोल देते हैं हम। चैन लॉक खोलकर चैन बाहर निकाल लेंगे और इस पॉकेट को एक जुगाड़ लगाकर इसे खोल देंगे। चैन लॉक खोल देते हैं। ओरिंग लगा हुआ होता है चैन में इसका, इसका चैन को लुब्रिकेशन ना करें, इसमें स्प्रे का यूज होता है। जो भी चैन में ओरिंग लगा हुआ होता है, रबर लगा हुआ होता है, उसमें लुब्रिकेशन नहीं किया जाता है, ग्रीस ऑयल इंजन ऑयल वगैरह मोबिल वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता। तो ये स्पॉकेट घूम रहा है, इसके लिए हम एक जुगाड़ लगाकर इसे खोलेंगे। ये इससे स्पॉकेट घूमेगी नहीं और हम हमारे पास इसका टूल्स नहीं है, ये 46 नंबर लगेगा, तो हम इसी से खोल लेंगे इसे। मेरे पास टूल था, मिल नहीं रहा, क्योंकि कभी कभी इसका यूज होता है, कभी कभी काम होता है। ये नट खोल लेंगे और इसका ये लॉक वाला वाशर भी निकाल लेंगे, स्पॉकेट, ये वाशर, स्पॉकेट हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस जगह को जो चैम्बर है, यहाँ पर पूरा गर्दा लगा हुआ है, गंदा लगा हुआ है, उसे क्लीन करेंगे। ये पूरा क्लीन करेंगे, वाश करेंगे पेट्रोल से, क्योंकि ये हमेशा खुलता नहीं है, वाश करके इसे लगाएंगे। चलिए हम इसे वाश कर लेते हैं, पहले झाड़ कर इसका सब निकाल लेंगे, उसके बाद पेट्रोल से इसे वाश कर देंगे। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये हमेशा खुलने वाली चीज़ नहीं है। और ये पीछे का स्पॉकेट है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये 19 नंबर खोलकर, और ब्रेक, इसका ब्रेक शू स्पॉकेट में ही होता है, इसे हम खोल लेते हैं।
और इसे हमने क्लीन कर दिया है। अब ये नया स्पॉकेट हम डालेंगे, ये नया वाला स्पॉकेट है। तो पूरा चैम्बर को हमने क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद ये स्पॉकेट डालेंगे और इसका लॉक वाशर और उसके बाद नट, इसका लॉक वाशर लगाकर फिर इसका नट लगाएंगे। इसमें दो लॉक दिए हुए थे नट लॉक करने के लिए, लेकिन एक से भी काम चल जाता है। आप एक को मोड़ दोगे तो नट लॉक हो जाएगा आपका। इसे आराम से कस देंगे, सीधा गुना होता है, उल्टा गुना नहीं होता, ये ध्यान रखें। ये हो गया। अब हम ठीक उसी तरह जुगाड़ लगा कर इसे कस देंगे। इसे हम कस देंगे, फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट कर इसे वाशर, लॉक वाशर की मदद से लॉक कर देंगे नट को। अब हम इसे यहाँ पर एक लॉक करेंगे, ये लॉक पत्ती को मोड़ देंगे। ये लॉक हो गया और ये दूसरा भी, दोनों को लॉक कर देंगे। लॉक हो गया। अब हम इसमें चेन को चढ़ाएंगे, जो नया वाला चेन है उसे हम लगा देंगे। ये इसका पुराना वाला है, देख रहे हैं, इसका बैरिंग हम निकालेंगे और नया वाला स्पॉकेट में डालेंगे। ये नया वाला है, उसका बैरिंग और हाफ एक्सल दोनों इसमें लगा देंगे। देख रहे हो कितना घिस गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था ये। तो चैन को हम इसमें चढ़ा देते हैं, चैन में चढ़ाकर इसका चैन लॉक लगा देंगे। ओरिंग, दो ओरिंग बाहर से रहती है, उसे ध्यान रखेंगे ताकि वो गिरे ना। अगर ओरिंग वगैरह गिर जाएगा तो चैन में आवाज़ आएगी कट कट की। ओरिंग पर ध्यान दें, ओरिंग लगाकर चैन लॉक लगा देंगे ऊपर वाली पत्ती। ये लॉक पत्ती लगाकर प्लास से दाब देंगे ताकि वह दोनों लिंक में अच्छी तरह से लग जाए, फंस जाए। और लॉक लगाते समय ये ध्यान रखें कि चेन जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में आपको लॉक नहीं लगाना है, उसके अपोजिट में लगाना है। ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसका चैम्बर को लगा देंगे। और ये स्पॉकेट, इसमें बैरिंग हमने डाल दिया है, ब्रेकसू पुराना ही है, ब्रेकसू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बुश ध्यान रखें जब भी फिटिंग करें तो, वरना चक्का जाम चलेगा आपका। तो चलिए अब हम इसे लगा देते हैं। और यहाँ पर आगे का जहाँ स्पॉकेट है उसका चैम्बर, मैग्नेट चैम्बर को लगा देंगे। इसे भी हमने क्लीन कर दिया है। ये आराम से बैठ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे बैठाकर सारे बोल्ट को लगा देंगे। इसके जितने भी हमने टी बोल्ट खोले थे सारे बोल्ट को हम लगा देंगे। सारे टी बोल्ट वगैरह लगाकर और साइलेंसर वगैरह जो हमने खोला है उसे फिटिंग कर देंगे। साइलेंसर, फुटरेस्ट, चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं। पहले कवर को टाइट कर लेते हैं, उसके बाद पीछे हम कंप्लीट करेंगे। आगे कंप्लीट हो गया। ये
ये कंप्लीट हो गया। इसकी हम पाइप को लगा देते हैं यहाँ पर, और इसका आर्मेचर का जो सॉकेट है वो भी लगा देंगे। सॉकेट को हम जहाँ से खोले थे वहाँ लगा देंगे वायरिंग में। इसे कंप्लीट करने के बाद हम पीछे स्पॉकेट लगाकर व्हील लगा देंगे, पीछे का चक्का लगा देंगे। पीछे का पहिया लगाते समय यह ध्यान रखें कि जो बूस्ट जहाँ से खोले आप वहीं डालें, वरना आपका पीछे का पहिया जाम घूमेगा, जाम चलेगा। ये थोड़ा अंदर में है इसलिए थोड़ा हाथ जाने में दिक्कत हो रही है। ये हो गया, यहाँ फर्स्ट में सारा चीज़ हो गया चेंबर में। अब हम कीक वगैरह सब इसका लगा देते हैं, कीक साइलेंसर वगैरह सब लगा देंगे, फुटरेस्ट को भी टाइट कर देते हैं। फुटरेस्ट अगर आप नीचे नहीं करोगे तो आपको कवर बाहर नहीं आएगा। ये फुटरेस्ट टाइट हो गया, अब इसका किक को लगा देंगे। किक लगाकर किक का बोल्ट, नीचे से नट ऊपर से बोल्ट। अब हम पीछे का स्पॉकेट पर लगाएंगे। बुलेट में पीछे का ब्रेक शू में स्प्रिंग टूटने का बहुत शिकायत है, बहुत स्प्रिंग टूट जाती है इसकी। जब भी खोले तो ज़रूर चेक कर ले एक बार। ये 19 नंबर जो है वो नीचे की हॉल में जाएगी चिमटा वाली में, और 32 नंबर ऊपर वाले में। चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक रेड लगाएंगे। ये सारा चीज़ हमने कंप्लीट कर दिया पीछे। इसका 19 नंबर का नट ये ध्यान रखिए वो फुल टाइट होना चाहिए, और व्हील का सारा नट बोल्ट ठीक से टाइट होना चाहिए। और इसका सारा चीज़ हमने कंप्लीट कर दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गई। चेन किट लगी इसमें, ये लगाना बहुत आसान है, बस जानकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।